आज पीछे हम श्री रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। और रघुवीर सहाय, जैसा कि आपको पता है कि श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के कवि हैं, और चूँकि छायावाद जब 1900 से 1920 तक रहा उसका कालखंड, उसके बाद द्विवेदी युग आ गया। द्विवेदी युग में फिर आए अज्ञेय जी के कविताओं के साथ, अज्ञेय जी की रचनाओं में केदारनाथ सिंह जी के साथ साथ ये भी, इनकी भी रचनाएं छपी। और श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो भी यहीं लखनऊ में ही हुई। संपूर्ण शिक्षा 1951 में, बच्चों 1951 की बात कर रहा हूँ, 1951 में आपने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। किस विषय से? अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। और बड़े आश्चर्य की बात है, एक अंग्रेजी साहित्य का व्यक्तित्व जो है, हाँ आज अंग्रेजी साहित्य का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के आंदोलन में कूद पड़ेगा, ये जो है संभव नहीं था। आपको मैं बताऊं बेटे, आपको मैं बताऊं कि डॉक्टर अरुणा सितेश, जो डॉक्टर अरुणा सितेश जो आईपी कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया, डॉक्टर अरुणा सितेश, पोज करना बेटा। तो इस प्रकार से 1951 में हिंदी अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद पड़े, पत्रकारिता आंदोलन में। और मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर अरुणा सितेश जो डॉक्टर सितेश आलोक की धर्म पत्नी थी, आईपी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। मेरा आना जाना होता था आईपी कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज पीछे, आईपी कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, तो मेरा वहाँ आना जाना होता था डॉक्टर सितेश आलोक के यहाँ। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगता था, और अंग्रेजी साहित्यकार थी वो, अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी रही वो, छात्रा थी, और हिंदी साहित्य में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उसी प्रकार पीछे उधर मेरी बाई दाइन साइड में, उसी प्रकार ये रघुवीर सहाय अंग्रेजी साहित्य के होते हुए भी हिंदी साहित्य आंदोलन में कूद पड़े। और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो मूलतः पत्रकार थे, रघुवीर सहाय मूलतः पत्रकार थे, और एक 1964 में एक पत्रिका थी प्रतीक, प्रतीक नामक पत्रिका में आप ये सहायक संपादक के रूप में कार्यभार संभाला, सहायक संपादक रहे। उसके बाद आकाशवाणी में समाचार विभाग के प्रमुख रहे, समाचार विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, और वरिष्ठ संपादक के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपने एक अहम भूमिका निभाई। नहीं मानेगा रे, एक अहम भूमिका निभाई। उसके बाद एक पत्रिका निकलती थी हैदराबाद की, उस पत्रिका का नाम क्या था पता है किसी को?
कल्पना 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 नामक पत्रिका के संपादक रहे जी, और उन्होंने स्वयं एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था दिनमान, दिनमान पत्रिका, ठीक बोल रहा हूँ ना, तो दिनमान पत्रिका थी, तो उसको उसमें उन्होंने कई कवियों को लिया, कई कवियों को लिया उन्होंने, और आपने फिर जो है स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया, और आप मूलतः एक जनमानस के कवि रहे, जनमानस जो, और इनकी रचनाएं जो है इनकी रचनात्मकता विवेचनात्मक है, विवेचना परख रचनाएं हैं, और आत्मपरकता की जगह पर जनजीवन के विषय में सोचा है आपने, जनता की जनता के दुख दर्द को बांटा है अपने कविताओं के माध्यम से। एक अखबार की जो खबर होती है वो अखबार की खबर बच्चों, एक दबी हुई जनता की दबी हुई जो इच्छाओं इच्छाएं हैं, जनता के दबे हुए विचार हैं, जनता की दबी हुई जो मनसा है, उस मनसा को घटनात्मक रूप दे करके और विवरणात्मक रूप देना जो है एक अखबार की खबर होती है। वो भू बहु जो है रघुवीर सहाय जी ने ये भूमिका निभाई। पत्रकार बच्चों कभी डरता नहीं है, पत्रकार में दब्बूपन नहीं होता है, और वो दब्बूपन जो है रघुवीर सहाय में नहीं थी। और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि इनकी रचनाएं जो है इनकी रचनाओं में मानव बोलता है, मानव मन की बात बोलती है, और रचनाएं कुछ इस प्रकार रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहले रचना सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। दूसरी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, दूसरी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। एक तीसरी रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो और भी और हंसो और लोग, एक रचना इनकी थी। और इनका इनकी इनका जो है एक रचना संग्रह जो है छः खंडों में प्रकाशित है, रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से, रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से जो है ये रचना, ये इनका जो है काव्य संग्रह है, काल और कृतियां हैं, कालजयी रचनाएं हैं तीनों ने लिखी। और प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य की सेवा करते करते, अंग्रेजी साहित्य की सेवा करते करते, और 1990 में आपका स्वर्गवास हो गया, और ऐसे रचनाकार ऐसे पत्रकार हमारे भारतवर्ष में अगर रहे तो भारत की दशा और दिशा दोनों सुधर सकती है। और वास्तव में विद्यार्थियों आपके यहाँ जो रचनाएं, दो रचनाएं लगी हैं, उससे पूर्व मैं बात यह कहना चाहूँगा कि रघुवीर सहाय जनजीवन के कवि हैं और नई कविता के कवि हैं, नई चिंतन धारा के कवि हैं। रघुवीर सहाय जो है नई चिंतन धारा के कवि हैं, और जब जो है निराला जी को छायावाद से मोह भंग हुआ निराला जी का, तो निराला जी ने कहा कि मैं ये संदर्भ को लेकर के बात कर रहा हूँ, निराला जी स्वयं नई कविता के कवि हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर, हाँ इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर, वह आता पथ पर पछताता, अनेक कविताएं जो है धरातल पर आकर के लिखी। उसी प्रकार से रघुवीर सहाय जो है नई चिंतन धारा के कवि हैं, जनमानस के कवि हैं, इनकी कविता में जनता बोलती है, इनकी कविता में जो है जनता की भावना बोलती है, जनता के विचार बोलते हैं। तो इस प्रकार से कवि जो है एक कवि
अपनी कविता में जो है कवि ने पत्रकारिता को ठूस ठूस करके भरा है, पत्रकारीय शैली को ठूस ठूस के भरा, बच्चे बात नहीं, पत्रकारिता शैली को ठूस ठूस करके भरा है। और किन्होंने? रघुवीर सहाय ने। तो रघुवीर सहाय ने, रघुवीर सहाय ने आवाज नहीं, तो रघुवीर सहाय वास्तव में अपने जीवन पर नई कविता के क्षेत्र में बहुत खरा उतरते हैं और बड़े सजग समाज की जो जटिलताएं हैं उनका पर्दाफाश करते हैं। रघुवीर सहाय समाज की जो जटिलताएं हैं उनका पर्दाफाश करते हैं और जनमानस में जो जो उधर जनमानस में जो जो चट्टान जैसी समस्या है, चट्टान जैसी समस्या है, उस समस्याओं को तोड़ने का, उन समस्याओं को उखाड़ फेंकने का संकल्प जो है किया है, संकल्पना की है कि वास्तव में कवि जो है तभी तो बाल कृष्ण शर्मा नबीर कहते हैं, कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से जाए, नव का वक्षस्थल फट जाए, धुआं उठे दाएं बाएं, ऐसे ही चिंतन धारा के कवि है, ऐसे ही चिंतन धारा के कवि जो है रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय जनमानस की भाषा को बोलते हैं, तभी कहते हैं तोड़ो 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 ये चरती पड़ती तोड़ो, चट्टान तोड़ो, सब कुछ तोड़ दो, तोड़ करके नई नई शुरुआत करो और नया सृजन करो, नई सृजनात्मकता होनी चाहिए। दूत धड़ो द्रुमो के जीर्ण पत्र कंकाल जाल जग में फैले, ये कौन कहता है? निराला जी इस बात को कहते हैं और रघुवीर सहाय की पुष्टि के लिए कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रघुवीर सहाय का जो जीवन परिचय है मैंने आपको एक बिंदु के रूप में, एक संक्षिप्त रूप में बताया, और वास्तव में रघुवीर सहाय की बात जितनी भी की जाए उतना ही कम है। रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवियों में छपे हैं। अज्ञे जी ने तार सप्तक की जो कविता लिखी, तार सप्तक पत्रिका जो तीसरी पत्रिका जो अपनाई, उसमें जो है छपे, और इनकी अनेक रचनाओं में अद्भुत विचार विमर्श है, अद्भुत ये विवेचनात्मक कवि हैं। इन्होंने जो है विवेचनात्मकता को बल दिया है, सामाजिक जो है भावनाओं का पर बल दिया है, सामाजिक जनजीवन पर बल दिया है कवि ने। और इनकी भाषा जो है दो टूक सटीक भाषा है, सटीक उत्तर देते हैं, और खड़ी बोली का प्रयोग जो है अपनी भाषा में कवि ने किया है, और कवि वास्तव में ये बात को सार्थक करते हैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, सार्थक करते हैं कि वास्तव में हमारा जो जनजीवन है वो जनजीवन है, हमारा जो जनजीवन है वो जनजीवन जो है बिल्कुल सार्थक होना चाहिए, शीशे जैसा बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये जीवन दर्शन को कवि ने दर्शाया है इसमें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इनकी दो रचनाएं जो है वो एक तो वसंत आया और दूसरी रचना है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसके बारे में हम इन कविताओं की व्याख्या कल करेंगे, और आज इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैंने व्याख्यान दिया है, और इस व्याख्यान को आप पढ़ें और इसको आप समझें, जो कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो आप उससे हमसे पूछें और देखें, और बाकी जो है कल हम विवेचनात्मक वार्ता करेंगे इसकी, दोनों कविताओं की व्याख्या जो आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो में लगी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।